हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमाचली वर्ल्ड। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों को बढ़ने के बाद लगाए गए कर्फ्यू में अब ढील देने के साथ बसों को चलाने और बाज़ार को ज़्यादा समय तक खुला रखने की तैयारी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की कल होने वाली बैठक में इस पर मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 11 जून शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें प्रदेश में लागू किए गए कर्फ्यू के समय को कम करने के साथ साथ बाज़ारों को 7 बजे तक खुले रखने की अनुमति देने की तैयारी है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालय में अब 50% के साथ कर्मचारियों को बुलाने और बसों की आवाजाही को 50% यात्रियों के साथ शुरू करने की भी मंजूरी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 सप्ताह के दौरान कोरोना के मामलों में गिरावट आई है और कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या भी घटी है। इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कोरोना के मामलों और प्रबंधों को लेकर प्रस्तुति भी दी जाएगी। बसों की आवाजाही के बंद होने के कारण निजी बस ऑपरेटर लगातार रियायत की मांग कर रहे थे और मंत्रिमंडल की बैठक में इस मांग पर भी चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश सरकार राहत प्रदान कर सकती है। प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक रहे नरेंद्र बरागटा की मृत्यु के बाद इस पद के खाली होने के बाद इस पद को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर भी मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। 18.5 लाख राशन कार्ड धारकों को आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग में चीनी उपलब्ध करवाने को लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पैकिंग में चीनी उपलब्ध करवाने से चीनी के दाम में 3 रुपये प्रति किलो की वृद्धि होने की संभावना है। इसे अब प्रदेश सरकार वहन करेगी या फिर उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा, इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहें हिमाचली वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।